नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ बिना घी तेल के सदियों से दीपक जल रहा है, जहाँ पर भक्तगण जाते हैं तो चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के, जहाँ के कण कण में चमत्कार दिखता है और रहस्यों से भरा हुआ है ये मंदिर। इस मंदिर में आप जाते हैं तो आपको चमत्कार दिखता है और लगता है कि भगवान सचमुच इस दुनिया में है। तो हम आपको इस मंदिर के रहस्य और चमत्कार के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो बेल आइकन है उसको जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें तीन ऑप्शन आता है, तो जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, उसे आपको प्रेस करना है। ऐसा करने से हमारा जो भी अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के चमत्कार और इसके रहस्यों के बारे में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के रहस्यों को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ सर्दी होने के बाद भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से पसीना आता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। अगर आपको मौका मिले तो इस मंदिर में जरूर जाइए, क्योंकि ठंड के समय में भी आपको वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से पसीना दिख जाएगा और इस पसीने को पुजारी बार बार साफ करते हैं। हालांकि प्रतिमा के पीछे का हिस्सा हमेशा ही नम रहता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा का तापमान हमेशा ही लगभग 110 डिग्री फारेनहाइट रहता है, जो कि एक चमत्कार है। ऐसी मान्यता है कि वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं। प्रभु के बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। जरा आप सोचिए, कोई भी आर्टिफिशियल बाल होगा तो वो इतना मुलायम नहीं होगा और वो उलझेगा ही, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ के कण कण में आप चमत्कार का अनुभव करेंगे। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पास कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है, यानी बिल्कुल बीचों बीच में है। परंतु जब आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक ही श्री विग्रह में समाहित हैं, इसलिए श्री भगवान को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस क्षेत्र पर बालाजी ने बाल लीलाएं भी की थी। उन्हीं के बचपन की छड़ी भी इस मंदिर में है। कहते हैं इसी छड़ी से बालाजी की बचपन में उनकी माँ ने पिटाई की थी, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसलिए तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है। आप ये जानकर और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हर बृहस्पतिवार के दिन तिरुपति बालाजी के हृदय पर माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। जी हाँ, बृहस्पतिवार के दिन श्री भगवान को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाने के बाद जब उसे हटाया जाता है, तब बालाजी के हृदय पर स्वयं ही माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। यह आज तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है। इस मंदिर में सदियों से अनवरत एक दिया चल रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें ना कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। ये कोई नहीं जानता कि ये दिया कब और किसने जलाया। विज्ञान कहता है पचाई कपूर को अगर किसी पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर चटक जाता है, लेकिन जब इस कपूर को बालाजी की मूर्ति पर लगाया जाता है तो पचाई कपूर का उनकी मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के ये थे रहस्य और चमत्कार। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर जाइए और इस चमत्कार का अनुभव कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपसे एक आग्रह कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए और बेल आइकन में जो ऑल का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आए और आप ऐसे ही ज्ञानप्रद बातों से रूबरू होते रहें। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।